कोरोना वायरस का असर आज पूरे देश में देखा जा रहा है। हम अभी मौजूद हैं भागलपुर के मायागंज स्थित जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज अस्पताल में, और यहां पर भी साफ तौर पे कोरोना के लिए जो जनता कर्फ्यू का आह्वान किया गया था प्रधानमंत्री मोदी की ओर से, उसको यहां उसका असर देखा जा रहा है। और यहां पर भी काफ़ी कम संख्या में मरीज आ रहे हैं, और विशेष परिस्थिति बस अगर हो रही है तो मरीज यहाँ आ रहे हैं। आम दिनों की तरह यहाँ मरीजों की भीड़ भाड़ नहीं है, और उसको लेकर के इसको कोरोना से बचाव, कोरोना के खतरे को देखते हुए जो दुनिया में जो इसको लेकर के महामारी का जो बुरा प्रभाव पड़ा हुआ है, हजारों लोगों की जान जा चुकी है, उसको देखते हुए यहाँ पर लोग काफ़ी सतर्कता बरत रहे हैं और पूरी तरीके से कोरोना से लड़ने के लिए यहाँ पर तैयार भी दिख रहे हैं। और अस्पताल प्रबंधन की ओर से यहाँ पर काफ़ी व्यवस्था की गई है, यहाँ आइसोलेशन वार्ड बनाया गया है, और इसके साथ ही आइसोलेशन वार्ड बना करके यहाँ पर मरीजों जो भी संदिग्ध मरीज आए उनकी जांच की गई। हालांकि यहाँ अस्पताल अधीक्षक के अनुसार 11 संदिग्ध मरीज आए जिनकी जांच हुई, और सभी की जांच अब तक निगेटिव आई है। लेकिन आज पटना से एक खबर आई जहां कि एक कोरोना से पीड़ित व्यक्ति की मौत हो गई, और इसी के साथ जो अब तक ये कहा जा रहा था कि बिहार कोरोना से अब तक बचा हुआ है, कोरोना के कहर से बचा हुआ है, तो वो आज इस मरीज के मौत होने के बाद बिहार भी इस खतरे में आ चुका है। और यहाँ पर भी माहौल काफ़ी अब पैनिक होने लगा है, लोगों में दहशत का माहौल होने लगा है, और लोग अपने इस स्थिति को देखते हुए काफ़ी परेशान और डरे सहमे से नजर आ रहे हैं। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे पूरा अस्पताल परिसर जो है आम दिनों की तरह बिल्कुल आवागमन नहीं दिख रहा है, पूरा सन्नाटा पसरा हुआ है, और लोग बिल्कुल जो पहले से भर्ती हैं वो मरीज और कुछ विशेष परिस्थिति में आने वाले मरीज ही यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। और हालांकि ये आज रविवार का दिन है, पर उसके बावजूद भी अस्पताल में आम मरीज आते रहते हैं, लेकिन आज इसका कोई काफ़ी कम प्रभाव देखा जा रहा है। और अस्पताल अधीक्षक के अनुसार यहाँ पर काफ़ी 50 से 60 हज़ार सामान्य मास्क की व्यवस्था पहले से की गई है, और स्पेशल कैटेगरी के जो मास्क होते हैं उसकी भी खरीदारी कर ली गई है। इसमें 3,000 मास्क, ऐसा उनका कहना है कि रविवार होने के कारण आज गाड़ी नहीं चली, और जनता कर्फ्यू के कारण भी इसका प्रभाव पड़ा, जिसके कारण कल यहां पर 3,000 नए मास्क भी आ जाएंगे, और सैनिटाइजेशन की भी व्यवस्था पूरी तरह से है, और उसके लिए भी पूरी तैयारी है। तो दावा तो यहां दिख रहा है जैसा कि अस्पताल प्रबंधन का है कि पूरी तरीके से अस्पताल प्रबंधन इसके लिए अगर किसी भी तरीके का कोरोना से जुड़ा कोई मामला आता है तो उससे लड़ने के लिए तैयार है। लेकिन फिर उसके बावजूद जागरूकता सबसे बड़ी चीज़ है, क्योंकि इसी को देख करके इस जनता कर्फ्यू का आह्वान किया गया। और हम इसके साथ आपको यह भी बताएंगे कि भागलपुर ये सिर्फ ये हाल यहीं पर नहीं है, भागलपुर के मंदिरों, मस्जिदों और तमाम सार्वजनिक स्थलों पर, पार्कों को भी इसको लेकर के बंद किया जा चुका है, और 31 तारीख तक इस बंद के लिए सरकार के द्वारा निर्देश भी जारी किया जा चुका है। कैमरा पर्सन सुमित कुमार के साथ रविशंकर सिन्हा, सिल्क टीवी, भागलपुर।